बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स विद ए न्यू सेटअप, न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए इस मल्टी LNB सेटेलाइट में 68.5 इंच यानी इंटेल सेट के साथ दो साइड LNB लगाई हैं। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे सी बैंड LNB है, ये वाली, ये 76 इंच की है, और आपकी राइट हैंड साइड पे ये जो ब्लैक अल्ट्रा LNB आपको नज़र आ रही है, ये 52 इंच की है। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैंने इन दोनों साइड LNB सेटेलाइट्स के मैक्सिमम सिग्नल लिए हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में दोनों सेटेलाइट मुकम्मल उनकी जो चैनल लिस्ट है वो रिसीव की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप LNB की पोजीशन देखें कि ये किस तरह लगी हुई है। साइड व्यू भी मैं आपको दूंगा, साइड से इस तरह आपको नज़र आएगी। इनर व्यू भी दूंगा मैं आपको। तो दोस्तों, ये इसका इनर व्यू भी आप देख सकते हैं, तकरीबन इस तरह लगेगी। मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ। तो अब दोस्तों, इन दोनों LNB की दूरी बारी बारी में आपको बताऊँगा इनके ज्वाइनिंग पॉइंट से। तो ये वाली जो LNB है, इसका इसके ज्वाइनिंग पॉइंट और ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट है जहाँ आपको मार्कर का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 1/2 फुट या 6 इंचेस बन रही है, यानी ये 6 इंचेस की दूरी पे लगेगी। ये फासला मैं आपको इसके जॉइनिंग पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेके इसका जो ये सेंट्रल पॉइंट है जहाँ ब्लैक मार्कर से निशान लगा हुआ है, यहाँ तक बता रहा हूँ। अब इस साइड पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो LNB है यानी या सेट या 52 इंच की, इसका फासला जो है ये तकरीबन बन रहा है 6.5 इंचेस। ठीक है दोस्तों, यानी ये उस LNB से सिर्फ 0.5 इंचेस की ज़्यादा दूरी पे है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फासला जो है ये बन रहा है 6.5 इंचेस। ठीक है दोस्तों। तो अभी दोस्तों, मैं आपको सब LNB के जो EZTPs हैं उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 76 इंच लगी हुई है, इसके साथ जो है तार एडजस्टेड है, लगी हुई है, इंसर्ट की हुई है, तो मैं इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ पहले आपको दिखाता हूँ EZTP की। तो अब फ्रेंड्स, मैंने तार को जो इसकी बेस LNB है या सेंट्रल LNB है, उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अभी इसकी EZTP की सिग्नल स्ट्रेंथ मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये तकरीबन 49% तक आ रही है, ये EZTP आप देख लें इसकी भी। तो जो है अभी फ्रेंड्स, मैंने इसको जो यहाँ सेट की LNB है, जो तार को उसमें इंसर्ट कर दिया है, तो इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है EZTP की, वो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तार सेटेलाइट फाइंडर में जा रही है, और ये फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं 64% आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको एक दूर का व्यू दूंगा ताकि आप इन LNB को एडजस्ट करने में किसी मुश्किल का शिकार ना हो, किसी दिक्कत का शिकार ना हो। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हम जाएंगे जो TV के पास और देखेंगे कि जो मैंने साइड LNB लगाई हैं उनका क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि जो इंटरसेट जो 20 है यानी 68.5 जो सेंट्रल LNB है, उसकी चैनल लिस्ट इससे गुज़िश्ता वीडियो में मैं आपके लिए शेयर कर चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको 76 इंच और जो 52 इंच है यह सेट, इन दोनों सेटेलाइट की जो चैनल लिस्ट है वही दिखाऊँगा। तो दोस्तों, हम अभी TV के पास जो चलते हैं और दोनों सेटेलाइट्स को ट्यून करके उनकी चैनल लिस्ट देखते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम TV स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो बोल नेटवर्क है उसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये बोल एंटरटेनमेंट चल रहा है गुड सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ। इसके बाद ये इनसाइड TV है जो नया एड हुआ है सेटेलाइट पर, कमाल का चैनल है ये। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम जो दिखाते हैं चैनल वाले। इसके बाद बोल न्यूज़ भी दिखा देता हूँ आपको, बोल न्यूज़ उर्दू। इसके बाद ये कैपिटल TV,
जो पाकिस्तानी चैनल हैं सेटेलाइट के ऊपर, वो सारे मैं आपको दिखा देता हूँ बारी बारी। तो थोड़ा सा वक्त लेते हैं कुछ चैनल सिग्नल पकड़ने में, तो आपके टाइम की जो बचत की खातिर मैं जल्दी जल्दी चैनल्स को प्ले करूँगा। ये कार्टून चैनल फ्री टू एयर सेटेलाइट पर जो है, ये भी नया चैनल है। इसके बाद ये किड जोन पाकिस्तान, ये भी उर्दू ज़ुबान में कार्टून चैनल आपको मिलेंगे सेटेलाइट पे, पॉप किड दे। ठीक है दोस्तों, ये बच्चों की दिलचस्पी के कुछ चैनल्स मैंने आपको दिखाए। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ सेट की तरफ जाऊँगा और उसकी चैनल लिस्ट आपको दिखाऊँगा। ये आप देख सकते हैं, ये वतन चल रहा है गुड सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ। आगे चलेंगे, ये परशाना स्पोर्ट्स है, ये आप देख सकते हैं ये भी चलना शुरू हो गया। ये नया चैनल उन्होंने ऐड किया है, ATN भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं चल रहा है। TV वर्जिश जो वीक TP है, लेकिन जिस तरह आपने देखा कि मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ हमें मिली है, तो तकरीबन सारे ही चैनल चल रहे हैं। ये जिम का जो पैकेज है 91% इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि यही इजी TP है इसकी। और ये अंदाज न्यूज़ के नाम से भी एक चैनल सेटेलाइट में मौजूद है, जिसके ऊपर आपको लाइव क्रिकेट HD क्वालिटी में दिखाते हैं। तो इसके बाद जिम नेचर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, आप देख सकते हैं गुड सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ। और जिम जूनियर भी देखें आप। ठीक है दोस्तों, बच्चों की दिलचस्पी के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे जो चैनल्स हैं सेटेलाइट पे। ये एवा सीरीज का भी एक चैनल मैं आपको शो करा देता हूँ, ये भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। मूवीज़ का ये एक अच्छा नेटवर्क है, हॉलीवुड मूवी दिखाते हैं इसके ऊपर। और ये दीनी चैनल भी आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद सऊदी चैनल फॉर कुरान, जहाँ पे खाना कब आपको लाइव दिखाते हैं, और इस चैनल पे मस्जिद नबवी आप लाइव देख सकते हैं 24 आवर्स, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद दोस्तों मजीद चैनल मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, ये भी एक नया चैनल उन्होंने ऐड किया है। और ये दोनों बड़े अच्छे चैनल हैं, एक नेशनल ज्योग्राफिक का है और एक हाइकिंग का चैनल है। ये वाला हाइकिंग का चैनल है इनका, मल्टी प्रोग्राम इसके ऊपर दिखाते हैं, हाइकिंग के प्रोग्राम ज़्यादा दिखाते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों जो अच्छे अच्छे चैनल थे वही मैंने सेटेलाइट पर रहने दिए हैं, बाकी सारे डिलीट कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा चैनल हैं सेटेलाइट पर, तो काम के चैनल जो हैं वो मैंने रहने दिए हैं, बाकी जो फजूल चैनल हैं वो सारे मैंने हटा दिए हैं सेटेलाइट से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम।